पर आप देखकर आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये अब सनेड़ो ट्रैक्टर बनने वाला है। और दूसरे भी मार्केट में ऐसे सनेड़ो ट्रैक्टर है, उससे आपका क्या अलग है? मतलब ये व्हील भी हो सकता है और फोर व्हील भी हो सकता है, और तीन बोल आता है यहाँ पे, वो खोल लेते हैं और बांबा इसमें डाल देते हैं, तीन बोल तो टायर में चलता ये है। फोर व्हीलर पे भी हो जाता है और थ्री व्हीलर पे भी हो जाता है, ये भी इसका अलग है। और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं उस तरह की ही इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है। आप देख सकते हैं ये है इसका इंजन। और यहाँ पर इसका हाइड्रोलिक है। रमेश बकोत्रा, आप देख रहे हैं रमेश बकोत्रा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, आप पास देख सकते हैं गुगा भाई। तो हमारे खेत पर जो आरसीसी टैंक बनाया था उसके मेन कारीगर गुगा भाई है। तो हम गुगा भाई और राम भाई, हम तीनों अमरेली जा रहे थे, तो यहाँ पर टोंडा गांव है, वहाँ पर उनके रिलेटिव सगे वाले रहते हैं। तो हम यहाँ से निकलते थे तो यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए आए, तो हम ये देख गए सनेड़ो ट्रैक्टर, और ये दोनों भाई बनाते हैं, उनके सगे वाले हैं। तो हमें ऐसा लगा कि इसकी पूरी डिटेल अभी हम देखते हैं कि ये सनेड़ो कैसे बनता है, क्योंकि हमें ये थोड़ा एट्रेक्टिव लगा। हमारे यहाँ पर भी मिलता है, पर वो बन के यहाँ से आता है, जो शीतल एरिया है, और यहाँ पर सब ये सनेड़ो ट्रैक्टर बनाते हैं। तो ये दोनों भाई बनाते हैं। आपका नाम भाई? संजय भाई और संजय भाई और महेश भाई, ये पूरा सनेड़ो ट्रैक्टर बनाते हैं। और तो अभी ऐसा लगा कि इसकी पूरी हम जानते हैं और आपको भी बताते हैं ये सनेड़ो कैसे बनता है, और हमारे खेत में चलाने के लिए क्यों इजी है, कितनी ये एवरेज देता है, कैसा काम करता है, वो सब अभी हम डिटेल में इसका थोड़ा, हमारे पास एक घंटे का टाइम था तो पूरी डिटेल हम ले लेते हैं यहाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का ये सनेड़ो ट्रैक्टर है, एक यहाँ पर पड़ा है और एक यहाँ पर पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी खेत के साधन लगने वाले हैं, आपके खेत में किया चलने वाला है किया नहीं। महेश भाई से पूछते हैं इस सनेड़ो का फायदा क्या है, तो इसके बेनिफिट क्या है फायदे? सनेड़ो चौमासों ने तमाम खेड़ करे, चौमासा ने बे बलद ने तमाम खेड़ करे, हाथी हाले बधु काम चौमासा नु बे बलद नु तमाम काम करे। तो महेश भाई का कहना ये है कि बारिश के दिनों के जो दिन होते हैं, जो दो बेल का काम होता है, वो सभी काम ये करता है। और ये कितना डीजल इसके, मतलब एवरेज मिनी ट्रैक्टर से ज़्यादा एवरेज होगी ना इसका? आखो दिवस तब चलावो टूक में 10 कलाक जो, तो 5 लीटर डीजल जो ही। तो पूरे दिन आप इसको चलाएंगे तो कितने लीटर बोला? 5 लीटर। 5 लीटर ये डीजल खपत करेगा। 40 बीघा की खेती करिए आप, मतलब 5 लीटर में 40 बीघा की खेती। तो महेश भाई का कहना ये है कि 5 लीटर में 40 बीघा की खेती ये कर सकता है। तो एकदम बढ़िया जुगाड़ है। हमें यहाँ पर, हमें देखते ही ऐसा लगा था कि ये कुछ किसानों के लिए खास चीज़ है। तो सभी किसानों को ये एक बार पूरा आप वीडियो देखना, अभी हम पूरी डिटेल इसकी देखेंगे, कैसे बनाते हैं, क्या है क्या नहीं, सभी हम देखेंगे। और सनेड़ो आप देख सकते हैं, तो इस तरह का इससे सनेड़ो ट्रैक्टर कहते हैं। और हमारे गुजरात में ये कौन से एरिया में ज़्यादा मिलता है? यहाँ पर ये अमरेली बाबरा एरिया में ज़्यादा मिलता है? बाबरा में, अमरेली जिला में शीतल बजे मले। तो ये पूरा अमरेली के पास जो शीतल एरिया है वहाँ पर सभी पर, और आप बनाते हैं इस तरह के सनेड़ो ट्रैक्टर? तो महेश भाई इस तरह के सनेड़ो ट्रैक्टर बनाते हैं, और अभी हम डिटेल से देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। और दूसरे भी कई सनेड़ो ट्रैक्टर बनाने वाले हैं, पर भाई का कुछ अलग चीज, अलग से कुछ बनाते हैं। मतलब मजबूता है, हमें वधारे करिए बीजा सनेड़ा करता, हमारी मजबूता है अति वधारे सारी, अने मजबूता है में सारू एने काई वांधो न आवे। तो सनेड़ो ट्रैक्टर तो इस एरिया में कई बनाते हैं, पर भाई का कुछ अलग है। महेश भाई की स्टैंडर्ड था और उसका कुछ सबसे अलग है, मतलब वो टिकाऊ में और चलाने में आपको आसानी होगी उस तरह। तो अभी हम देखते हैं ये किस तरह के क्या कैसे बनाते हैं वो। तो दोस्तों हम अभी सनेड़ो जहाँ पर बनाते हैं उस जगह पर आ गए हैं, तो इसके अंदर पूरा सनेड़ो यहाँ पर तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब अभी प्रोग्रेस में है, और इसके अंदर भी बनाते हैं, तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सनेड़ो ये तैयार होता है, और हम इसका जो स्टार्टिंग है वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो चैनल है, ये इसका स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है ना? यहाँ से स्टार्टिंग होता है।
तो भाई इसके कारीगर है, पूरे ये बनाने का मास्टर है, तो उसको पूरी इसकी मतलब डिटेल है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचता है इसका जो स्टार्टिंग, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा ये अभी प्रोग्रेस में है, पर आप देखकर आपको अंदाज आ जाएगा कि ये अभी छनेड़ो ट्रैक्टर बनने वाला है। और भाई ये डिप्रेशन, ये इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, एम्बेसेडर का डिप्रेशन है वो। हाँ एम्बेसेडर का है, वो जैन का गियर आता है 10.5 हॉर्स पावर का इंजन, ये इंजन का फर्मा है, इसके ऊपर से सारा काम एकटा हो जाता है, मतलब हो जाता है। इस जगह इंजन बिठाना हो तो ये इसका मतलब ये फर्मा रहता है। ये डिप्रेशन कौन सा बोला? एम्बेसेडर का डिप्रेशन है, और गियर बॉक्स मारुति जैन का गियर बॉक्स है, और इंजन तो इसका डीजल इंजन जो डीजल 10.5 हॉर्स पावर का, 10.5 का इसमें डीजल इंजन लगता है। तो ये पूरा मतलब तीन चीज़ें है इसमें इकट्ठा करते हैं, और ये इस तरह से सभी ढांचा बनाते हैं। और दूसरे भी मार्केट में ऐसे छनेड़ो ट्रैक्टर है, उससे आपका क्या अलग है, मतलब ये मजबूत बनाते हैं? उससे बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो भाई मुझे एक पूछना है, एम्बेसेडर में तो वो ज़्यादा ये मतलब लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, तो ये आपने इसके काट के बनाते हैं उसे, वो छोटा करते हैं, वो लंबा आता है ना, वो 32 की जाली का 28 की जाली का करते हैं। तो ये एम्बेसेडर का जो डिप्रेशन है वो बड़ा आता है, तो उसमें से काट के इसके मनाप का किया है। तो ये सब जुगाड़ है, एकदम मतलब माइंडेड जुगाड़ है ये भाई का। और दूसरा ये तो टैंक है ना डीजल की? नहीं, ये डीजल का ऑयल का टैंक है, हाइड्रोलिक। ये हाइड्रोलिक का, तो हाइड्रोलिक की सिस्टम भी इसमें, वो इसमें से ये इंजन में से इंजन में अलग से उसकी शॉप आती है हाइड्रोलिक की, वहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है जैक में, रिबिट लगती है, आगे पंप आता है। तो इसमें हाइड्रोलिक भी आपको मिलेगा, जो मिनी ट्रैक्टर करता है वो सब ये कर सकता है। तो ये भी मुझे नहीं पता था कि ये हाइड्रोलिक भी इसमें होगा, तो ये भी बढ़िया बात है हाइड्रोलिक। और इसकी मजबूती आप देख सकते हैं, दूसरे भी इस तरह के छनेड़ो तो है मार्केट में, पर मेन आपकी मजबूती है, मतलब ये एंगल है इसकी, आप ज़्यादा मजबूत वाले डालते हैं ना? 2-4 के चैनल है ये, हम ज़्यादा 10 सानी पाटा डालते हैं, हवा की चैनल है शाफ्टिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सभी पार्ट पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिप्रेशन पड़े हैं, एम्बेसेडर के डिप्रेशन, और ये इसके टायर हैं, और ये भी इसके मतलब पंखे, और यहाँ पर इसके सभी पार्ट पड़े हैं। तो पूरा छनेड़ो ट्रैक्टर यहाँ पर ही मतलब असेंबल होता है सभी चीज़ें। और भाई की कारीगरी और माइंडेड जुगाड़ हमें बहुत पसंद आया, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और बाहर एक अभी थोड़ा तैयार है, ये जो यहाँ पर ढांचा रहा उससे थोड़ा तैयार, कलर भी यहाँ आते हैं, कलर करने का टॉय है, ये कलर करने का है, गियर साफ करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से ये कलर करने का है, तो कलर्स भी यहाँ पर करते हैं, तो पूरा छनेड़ो असेंबल यहाँ पर ही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कलर्स भी हो गया है, और आगे 2 टायर है भाई, मतलब 4 टायर हो गए, और अंदर पड़ा था इसमें 1 है। तो ये सिस्टम थोड़ी समझाइए। ओ 3 व्हील भी हो सकता है और 4 व्हील भी हो सकता है, और 3 बॉल आता है यहाँ पे, वो खोल लेते हैं और बांबा इसमें डाल देते, तो 3 बॉल तो टायर में चलता है। ये 4 व्हीलर पे भी हो जाता है और 3 व्हीलर पे भी हो जाता है, तो ये काम पे इसका मुझे बढ़िया लगा। मुझे नहीं पता था कि इतनी इसमें होगी कि 4 व्हील भी हो जाता है और 3 व्हील भी हो जाता है। तो ये मतलब ऐसा मानिए किसान यहाँ पर से ले गया तो 4 व्हील भी चला सकता है और 3 व्हील भी चला सकता है, तो ये काम भी बढ़िया है। ये थोड़ा मतलब डिटेल से समझाइए कैसे हो सकता है। और 4 व्हील करने के लिए वो चैनल लगाना पड़ता है, तो वो किसान मतलब जो ले गया वो हाथ से कर सकता है? हाँ वो कर सकता है, वो 3 बॉल आता है ना, 1 वहाँ पे 2 यहाँ पे 1 3, ये 3 बॉल खोल के उसको डाउट कर देते हैं और ये बांबा है ना उसमें डाल देते, 3 व्हील हो जाता है। तो ये किसान से भी हो सकता है, मतलब इसमें 3-4 बॉल है जो खोल के वो सब करना पड़ता है,
तो किसान यहाँ पर से ये ले गया तो थ्री व्हीलर भी चला सकता है और फोर व्हीलर भी चला सकता है। तो मतलब थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर, उसमें कुछ खेत का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो थ्री व्हीलर में खेत में चलाने में क्या फ़ायदा है और फोर व्हीलर में क्या फ़ायदा है? थ्री व्हीलर में वो फ़ायदा है वो कपास में चलाने का, वो फोर व्हीलर है वो मानवी में चलाते हो, तल बीस में सहा आता है ना उसमें चला सकते हैं फोर व्हीलर ऐसा। इसका फायदा क्या है भाई? कहते हैं कि जो मिनी ट्रैक्टर है उसमें वेट ज़्यादा होता है और इसमें वेट कम है, तो खेत में चलाने के लिए आसानी होती है। आसानी होती है, वो टोर नहीं होता, वो टप्पा सड़ जाता है ना रेत का, वो नहीं सड़ेगा इसमें। मतलब उसका जो मिनी ट्रैक्टर चलाते हैं उसका वेट ज्यादा होता है और इसका वेट कम है, तो किसानों को चलाने में ये दिक्कत नहीं होगी और इजीली ये चलता है। और इसके जो सभी खेत में चलाने के सभी औजार है वो यहाँ पर लगते हैं ना भाई? हाँ, वहाँ पे लगते है। यहाँ पे वो पाटला लगता है साथी चलाने के लिए, वहाँ पे लारी जूतती है, यहाँ पे वो पैडल लगता है वो लारी उछालने के लिए। ये आप देख सकते हैं जो बड़े ट्रैक्टर में हुक लगता है, इस तरह का हुक लगाया है, और यहाँ पर ये हाइड्रोलिक के लिए है। टॉपिंग लगेगी, यहाँ पे जैक लगेगा। तो ये सब जो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर कर सकता है वो सभी टेक्नोलॉजी इसमें डाल दी है और एकदम सस्ते में आपको सही टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और खेत में चलाने में भी एकदम आसानी है ये सभी चीज। और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम वो सब भी बढ़िया है। ये ब्रेकिंग सिस्टम है जो वो तो मतलब एम्बेसडर वाली है ना? हाँ, एम्बेसडर वाली है। इसकी मजबूती हमें एकदम बढ़िया लगी, इसका आप पूरा देख सकते हैं। और भाई मार्केट में जो दूसरे सनेड है उससे अलग आपका क्या है, कुछ बोल रहे थे ये? उससे अलग है, यहाँ पे सब लोग पाइप लगाते हैं, हम यहाँ पे डाढ़ा आता है ना वो लगाते हैं साफ्टिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप लगाते हैं, पर आप देख सकते हैं ये तो इस तरह की चीज लगाते हैं, तो यहाँ से फुली मजबूत है। और ये इसका जॉइंट है जो मजबूत वाला है, तो ये भी इसका अलग है। और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं उस तरह की ही इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है। अलग अलग व्हील में भी लगती है ब्रेक, एक व्हील में भी ब्रेक लगती है, दोनों में भी साथ भी लगती है। वो सेटिंग कहाँ पर आता है अलग अलग? वो यहाँ पे आता है, वो बोल है ना वो खोल के पट्टी निकाल देते हैं, तो इस तरह लगाते हैं तो ये टायर की ब्रेक लगती है, ये ब्रेक लगाते तो वो टायर की ब्रेक लगती है। तो जो बड़े ट्रैक्टर में सिस्टम में भी फर जाता है, जो बड़े ट्रैक्टर में सिस्टम होती है उस तरह के इसमें सिस्टम है, तो ये काम भी एकदम बढ़िया। दोस्तों ये पूरा सनेड़ो तैयार है, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जैसा ही लगता है और ये पूरी तरह परफेक्ट बनकर तैयार है। और भाई अभी एक दूसरा पूछना है, ऐसा मानिए पूरे इंडिया में कोई भी सिटी से ये सनेड़ो लेना है तो यहाँ पर मतलब फ़ोन से भी मंगवा सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो तो फोन से ही मंगवा सकते हैं। तो मैं नीचे फ़ोन नंबर भी दे दूंगा और यहाँ का एड्रेस भी दे दूंगा, तो फ़ोन कर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे लगती तो आप ले सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो मिनी ट्रैक्टर मार्केट में मिलता है उससे कई गुना कम प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। और माइलेज की बात करें तो मिनी ट्रैक्टर जिस माइलेज में चलता है उससे कई गुना कम आपको ये मतलब कम खपत डीजल की है इसमें। और किसी भी तरह की कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भाई यहाँ का एड्रेस आप बोल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट अमरेली, तालुका लाठी और गांव टोंडा। तो पूरा एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी रख दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप गुजरात पर हो तो एक बार आप रूबरू कॉन्टेक्ट कीजिए और आप शीतल जो रहा वहाँ पर ये एग्रीकल्चर के जो भी सभी है उसके थ्रेसर रहते हैं उसका हब है, तो वहाँ पर आप आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पर ओनली फॉर विजिट करने आइए, भले आपको लेना नहीं पर यहाँ पर आप देख जाए किस तरह से बनाते हैं, क्या है क्या नहीं, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और किसी भी तरह की कुछ भी इंफॉर्मेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये सनेड़ो ऐसा मान लिए कोई ले गया और उसको कुछ भी सपोर्ट आजीवन रहेगा ना, लाइफ टाइम कुछ भी सपोर्ट चाहिए। मान लीजिए ये सनेड़ो ट्रैक्टर आप ले गए इंडिया गुजरात के बाहर कहीं पर भी, तो कंपनी का सपोर्ट लाइफ टाइम रहेगा। कुछ भी आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए लेने के बाद तो कंपनी का सपोर्ट हर रोज रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ का स्टाफ है, सभी स्टाफ ये बनाने में मेहनत करता है, आप देख सकते हैं सब लोग घर के ही है, मतलब ऐसा स्टाफ जैसा नहीं है, पूरा फैमिली है। और भाई थोड़ा एड्रेस समझाते हैं, ये रोड कौन सा है भाई? अमरेली हाईवे है। और ये नाम कौन सा बोला आपने? वावड़िया फैब्रिकेशन लिमिटेड। तो वावड़िया फैब्रिकेशन लिमिटेड, ये अमरेली हाईवे है। तो यहाँ से आप निकले
तो विजिट करना ना भूले। और सामने होटल कौन सी? ओमाई होटल है। ओमाई होटल के सामने भरत भाई आलगोर तक की। और भाई मिलेंगे आपको। भाई आपका नाम कौन सा? मेरा नाम मिलन है। तो मिलन भाई आपको मिलेंगे यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये है इसका इंजन और ये है इसका गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स कौन सा है भाई? मारुति जैन का गियर बॉक्स है। और यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं और ये सभी इसमें फिट करना है। दोस्तों ये स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर से सेल्फ लगाना पड़ता है। तो भाई सेल्फ लगाते हैं अभी। तो ये इंजन स्टार्ट हो गया। और दोस्तों एक दूसरी बात, मान लीजिए आपकी बैटरी में चार्ज नहीं है और सेल्फ सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, एग्जांपल की बात है, यहाँ से रस्सी लगाकर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप भाई रस्सी से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपका सेल्फ का बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो की बात है, जनरली नहीं होता है पर कुछ प्रॉब्लम आ गया सेल्फ सिस्टम में तो की बात है। ये अभी भाई स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी रस्सी से स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं भाई ने यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी लगाई है। तो आपको म्यूजिक सिस्टम लगानी है तो भी लगा सकते हैं। और ये जो मिनी ट्रैक्टर जा रहा है उसके रहा उस तरह का ट्रेलर भी इसमें लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर इसका हाइड्रोलिक है तो ये हाइड्रोलिक का पॉइंट है। और आपके पास मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली हो तो ये हाइड्रोलिक से आप इसका कर सकते हैं, इसका जो ट्रेलर हो उसको उठा भी सकते हैं। तो इनमें सिस्टम तो पूरी मिनी ट्रैक्टर जैसी है।